आतंकवाद के गंभीर मुद्दे पर बनी एक बेहतरीन हाई कंसेप्ट हाई वैल्यूएबल कंटेंट वाली फिल्म 72 हुरे जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है और औंधे मुंह गिर चुकी है। और इस फिल्म ने महज जो है 1,24,00,000 रुपए की कमाई करके अपने नाम पर जो है फ्लॉप का टैग लगवा लिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है, बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट या बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के आधार पर हम किसी फिल्म को सफल या असफल तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वाहियात किस्म की फिल्म होती है, जो बहुत ही बेकार घटिया होती है, स्तरहीन होती है, वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपने कमर्शियल एलिमेंट और स्टार के कारण जो है कमाई कर लेती है। लोग ऐसी फिल्मों को रिव्यू रेटिंग को देखकर देखने चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छी फिल्म जो होती है 72 हुरे की जैसी, वो फिल्म जिसे कोई रिव्यू रेटिंग नहीं मिलती, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लोग इस फिल्म को ना खुद समझते हैं ना औरों को अच्छे से समझा पाते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को जो है अच्छे से नहीं निभाते हैं, इस फिल्म के साथ अन्याय करते हैं या फिर वो बायस हो जाते हैं रिव्यू रेटिंग देते वक्त, तो ऐसी फिल्में जो होती है, अच्छी फिल्में जो होती है, बेहतरीन फिल्में जो होती है, वो फ्लॉप हो जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के आधार पर या इसके निगेटिव रिव्यू रेटिंग के आधार पर इस फिल्म को कभी ना समझे कि यह बुरी फिल्म है, वाहियात फिल्म है, घटिया फिल्म है, बल्कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे जिन्होंने देखा है वो सौभाग्यशाली है और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस फिल्म को दुर्भाग्यपूर्ण जो इसके साथ हुआ, जो दुर्भाग्य हुआ, उसके लिए जो लोग रिव्यू रेटिंग करते हैं, जो ये सब काम करते हैं, वो काफी हद तक जिम्मेवार है। अगर उन्होंने इस फिल्म को देखा होता, इसके कंसेप्ट को समझा होता और लोगों को अच्छे से ईमानदारी से बताने की कोशिश की होती इस फिल्म के बारे में, तो बहुत हद तक यह बात सच हो जाती कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर जाते, बावजूद इसके कि इसमें कोई बड़ा कलाकार नहीं है, बावजूद इसके कि यह फिल्म जो है कमर्शियली कहीं पर भी फिट नहीं बैठती है और बावजूद इसके कि इस फिल्म में कोई रंग नहीं है, बेरंग फिल्म है ये, जो कि मतलब कि क्या है, श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, कहीं कहीं पर 2% कलर का इस्तेमाल किया गया है वो भी क्रिएटिविटी के अनुसार, तो भी यह फिल्म चल जाती, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया गया था वो उद्देश्य था लोगों को 72 हुरे के जो कंसेप्ट है उसको समझाना था कि ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में ना उस दुनिया में। जो लोग 72 हुरों के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ये सब सिखाते हैं कि तुम जाओ आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दो, तुम फिदायीन बन जाओ, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, लोगों की हत्याएं करो, मासूमों का खून बहाओ, ऐसा करके तुम्हें 72 हुरे मिलेंगी जो तुम्हारे साथ अय्याशी करेंगे, तुम उनके साथ खूब ऐश करना, तुम्हें वो जाम पिलाएंगे और तुम्हारे अंदर 40 मर्दों की ताकत आ जाएगी, तुम खुदा के नेक बंदे हो, ये सब वगैरह वगैरह जो बातें, जो झूठों का जाल फैला हुआ है, जिस जाल में फंसकर जो है आतंकवाद को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, फिल्म जो है उस सच्चाई को दिखाने के लिए आंखें खोलने वाली फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म की तरफ किसी की जिम्मेवारी नहीं गई कि वो इस फिल्म के बारे में कुछ अच्छा कहते, कुछ अच्छा बोलते और लोगों को प्रेरित करते इस फिल्म को देखने के लिए। इसलिए यह फिल्म फ्लॉप हो जाना मतलब कि यह हम सब की जिम्मेवारी है कि इस फिल्म का फ्लॉप होने में हम सब जिम्मेवार है। प्लस इस फिल्म को जितने भी सिनेमाघरों में दिखाया गया वहां पर महज एक शो उपलब्ध था, जिसका टाइमिंग भी लोगों को देखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि अट्रैक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस फिल्म को देखने जाए, मैचिंग भी नहीं कर रहा था। तो संजय पूरन चौहान जी की यह फिल्म जो है नेशनल अवार्ड से नवाजी जा चुकी है 2018 में गोवा फिल्म फेस्टिवल में। उसके बाद उनकी एक और फिल्म थी लाहौर, उसे भी नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। तो अब ओटीटी एक जगह जहां पर आप इस फिल्म के बारे में देख सकेंगे, जान सकेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिल्म तो वहां पर आ जाएगी। एक अच्छी सेंसिटिव फिल्म जो है सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के कारण जो है वो फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में जाती है और फ्लॉप फिल्म की तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी है, मेरे कंटेंट में अगर आपको दम लगा है, सच्चाई लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू, एक नए कंटेंट टॉपिक के साथ में। नमस्कार, ओम शांति, जय हिंद।